सॉरी एस डीजे। तो गाइस अब वो टाइम गया जब हम मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे। अब हम मूवी सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसे एक्सपीरियंस करते हैं, मूवीज से एजुकेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। और आज मैं आपको ऐसी ही टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज बताऊंगा जिन्हें आप देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP में, यानी ये सारी मूवीज आपको हिंदी में मिल जाएंगी। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है 2020 में आई मूवी अंडर वाटर। समंदर के 11 किलोमीटर गहराई में चलने वाला सर्वाइवल आपके होश उड़ा देगा इस मूवी में। ड्रिलिंग कंपनी में एक्सीडेंट होने के बाद जब 5 सर्वाइवर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं जिंदा रहने के लिए, तब एक अनजान क्रिएचर उन्हें एक एक करके मारने लगता है। और भाई ये सब हो रहा है समंदर में 11 किलोमीटर नीचे, जहां पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर सूट नहीं है तो किसी के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस मूवी को देखने के दो सबसे बड़े रीजंस हैं। पहला तो ये कि अंडर वाटर की सिचुएशन को बहुत ही लाजवाब दिखाया गया है, और दूसरा मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है, तो ये मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी। एक जो नेगेटिव पॉइंट मुझे इस मूवी का लगा वो ये है कि हम किसी भी कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। कौन मर रहा है कौन जी रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई फिर भी एक मस्ट वॉच सर्वाइवल मूवी है। नंबर 9 पर है द बग्स लाइफ। अगर आप एनिमेशन में कुछ अच्छा कुछ यूनिक देखना चाहते हैं तो ये मूवी परफेक्ट ऑप्शन है। अच्छी खासी कॉमेडी, लाजवाब हिंदी डब और दमदार स्टोरी, एक लाइट कॉमेडी फैमिली फ्रेंडली एनिमेटेड मूवी से आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो सब इस मूवी में है। इस मूवी को देखने का सबसे बड़ा रीजन है इस मूवी का हिंदी डब जो कि बहुत लाजवाब है, और दूसरा रीजन है इस मूवी का क्लाइमैक्स जिसे देखने में बहुत मजा आता है। नंबर 8 पर है 2005 में आई पैसिफियर। इस मूवी की सिचुएशन इस मूवी को कॉमेडी बनाती है। 100 लोगों पर भारी पड़ने वाले कंट्री के बेस्ट एजेंट शेन वुल्फ को जब 4 बच्चों का ख्याल रखने का मिशन दिया जाता है, तो भाई ये शेन वुल्फ की लाइफ का सबसे मुश्किल मिशन बन जाता है। ऐसे वो बच्चे शेन वुल्फ की नाक में दम करते हैं भाई, देखकर बहुत मजा आता है। इस मूवी को मिस करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी मूवी है। नंबर 7 की मूवी कार लवर्स के लिए एक विजुअल ट्रीट है। यह कार्स की मूवी सीरीज जिसमें अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं। मूवी की स्टोरी सेट है एक अल्टरनेट रियलिटी में जहाँ पर ह्यूमंस की जगह व्हीकल्स हैं। मूवी की स्टोरी लाइटनिंग मैकवीन पर फोकस करती है जो एक रेसर बनना चाहता है, और इसमें उसके साथ है उसके फ्रेंड्स। ये सीरीज आपको फ्रेंड्स, फैमिली, लव, कॉमेडी, इमोशन सब कुछ दिखाती है, और भाई रेसिंग सीक्वेंसेस तो इस सीरीज की जान है। इस पूरी सीरीज के दौरान आप कई सारे कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, और यही बात इस सीरीज को टॉय स्टोरी के बाद दूसरी सबसे बेहतरीन एनिमेटेड सीरीज बनाती है। नंबर 6 पर है 2019 में आई लाइव एक्शन अलादीन। भाई इस मूवी को मैं खुद कई बार देख चुका हूँ। स्टोरी तो ऑलमोस्ट एनिमेटेड अलादीन की ही है, जो कि मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि भाई मेरा तो बचपन वही मूवी देखते हुए बीता है। तो भाई उसी एनिमेटेड अलादीन को लाइव एक्शन में बनाया है, और क्या खूब बनाया है। विल स्मिथ के जिन ने तो कमाल ही कर दिया इस मूवी में। लाजवाब एक्शन सीक्वेंसेस और बैकग्राउंड म्यूजिक का तो भाई क्या कहना। मूवी में कॉमेडी बहुत अच्छी है, और भाई विल स्मिथ ने क्या परफॉर्मेंस दी है, और इस मूवी के सॉन्ग सुनकर तो सच में मजा ही आ गया। नंबर 5 पर आ रही है जैकी चैन और ओवन विल्सन की धमाकेदार जोड़ी शंघाई नाइट्स एंड शंघाई नून। ये दोनों ही मूवीज कॉमेडी और एक्शन से भरी हुई हैं। अब भाई एक एक्टर एक्शन में बेस्ट है तो दूसरा कॉमेडी का मास्टर, और दोनों की जोड़ी बहुत ही जबरदस्त है। कैसे दोनों एक के बाद एक बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसते रहते हैं, और कैसे उन सारी सिचुएशन से निकलते हैं ये देखकर बहुत मजा आता है। कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस गजब के हैं, और कॉमेडी तो मूवी के हर सिचुएशन में है। दोनों मूवीज में आपको एक के बाद एक हिलेरियस कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। खास करके भाई ओवन विल्सन का कैरेक्टर सच में बहुत फनी है। तो भाई ये दोनों मूवी फुल एक्शन प्लस कॉमेडी पैकेज है। नंबर 4 पर है जॉन कार्टर। ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट साईफाई मूवी है। मूवी की स्टोरी फोकस करती है जॉन कार्टर पे जो मिस्टीरियसली मार्स पर चला जाता है, और फिर स्टार्ट होता है जॉन कार्टर का एपिक एडवेंचर जिसे हम भी मूवी देखते टाइम फील कर सकते हैं, जहाँ पर जॉन कार्टर मार्स के लोगों से घुल मिल जाता है और उसे वहाँ की एक लड़की से प्यार भी हो जाता है, और फिर भाई वहाँ पर वार भी चल रही होती है दो ग्रुप्स के बीच, और भाई फिर जॉन कार्टर को भी एक साइड चूज करनी है। विजुअली तो स्टनिंग है ही, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस उससे भी गजब, और भाई बैकग्राउंड म्यूजिक अमेजिंग। ये मूवी देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। टॉप 3 से पहले अगर यह वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मिलता रहेगा मोटिवेशन और मैं आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूंगा। नंबर 3 पर एक एपिक ट्रू स्टोरी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये आज तक की मेरी देखी हुई नंबर 1 ट्रू स्टोरी मूवी है। नाइनटीन
1952 में जब एक शिप समंदर के तूफान में फंसकर आधा टूट गया था उस पर फंसे लोगों के रेस्क्यू मिशन को ये मूवी दिखाती है, जहां पर उस जहाज पर बचे करीब 30 लोग जिंदा रहने के लिए कैसे उस आधे शिप को भी चलाते रहते हैं और दूसरी तरफ चार कोस्ट गार्ड एक छोटी सी बोट पर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए निकलते हैं। भयानक तूफान ऊंची लहरों के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना बार्नी और उसके तीन साथी आगे बढ़ते हैं। ये हिस्ट्री का सबसे ग्रेट रेस्क्यू मिशन है और भाई जिस तरह उसे मूवी में दिखाया गया है वो तो सच में अनबिलीवेबल है। तो भाई इस मूवी में है दम। नंबर दो पर है नार्निया सीरीज। वैसे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसके तीनों पार्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हिंदी में आपको सिर्फ सेकंड और थर्ड ही मिलेंगे। हैरी पॉटर के बाद नार्निया का ये फैंटेसी वर्ल्ड बेस्ट है। पीटर, ल्यूसी, सुजन और एडमंड जब नार्निया की दुनिया में पहुंच जाते हैं तब स्टार्ट होती है तीन पार्ट्स की एक अमेजिंग टेल। ये चारों है नार्निया के सेवियर और इन्हें हर मुसीबत से नार्निया को बचाना है। इस सीरीज में आपको कई सारे जबरदस्त कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे एसलैक, पीवर्स, मिस्टर टम्बलस और भाई वो तीन चूहे। तीनों पार्ट्स में आपको कई सारे एपिक वॉर्स, फाइट्स और कई सारे इविल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। कानों को सुकून देने वाला है नार्निया का म्यूजिक। नंबर वन पर एक ऐसी मूवी सीरीज है जिसके बारे में कुछ भी बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन 5 पार्ट्स। मुझे नहीं लगता इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत है, लेकिन मैं इस पूरी सीरीज को एक नाम के साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कैप्टन जैक स्पैरो। भाई ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉलीवुड मूवी सीरीज है। हालांकि मुझे सीरीज के लास्ट के दो पार्ट्स कोई खास पसंद नहीं है, पर भाई पहले तीन पार्ट्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इस मूवी सीरीज का हर एक कैरेक्टर एक इमोशन है। वैसे मैं जानता हूँ कि आप सभी ने ये सीरीज देख रखी होगी कई बार, लेकिन भाई इस सीरीज को चाहे कितनी बार भी देख लो कम ही है। और भाई अब लास्ट में एक और मूवी को मैं इस वीडियो में रखना चाहूंगा जिसने हॉलीवुड में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, साइंस फिक्शन मूवीज की डेफिनेशन ही चेंज कर दी, आज तक के नंबर वन विजुअल्स, वन ऑफ द बेस्ट बीजीएम और एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज को भी इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए दो बार रिलीज होना पड़ा। ये मूवी है अवतार। तो हाँ गाइस, अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी में भी आप अवतार मूवी को देख सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य देशवाल, आप देख रहे हैं हॉलीवुड प्राइम। इसी तरह का कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप उसे सबसे पहले देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।